का फेस्टिव सीजन चल रहा है और मिठाई का वीडियो नहीं बनाएंगे सर, ये तो हो ही नहीं सकता। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में देखोगे आप कोलकाता का बहुत ही मशहूर एक प्रसिद्ध मिठाई का दुकान, उसका कुछ मिठाइयाँ और थोड़ा उनका इतिहास। देरी किस बात की सर, जल्दी से चलते हैं अंदर और आपको खिलाते हैं बढ़िया सा मिठाई। नमस्ते, वेलकम कैसे आप? ये है गंगूराम, इन्हीं का नाम से है गंगूराम और ये मेरे ससुर जी है और हम लड़की के बहू हैं और हम फर्स्ट लेडी है जो दुकान में बैठने शुरू किए। तीन दुकान पहले सबसे खुला था, एक मानिकतला, एक ए और एक कालीघाट। जो कालीघाट वाला ओरिजिनल बंद हो गया, हमने अभी साइड में और एक दुकान खोले हैं जो फायर ब्रिगेड के पास में है। देखिए हमारे तो यहाँ सबसे फेमस है चॉकलेट संदेश, जल भरा, इंद्रानी, मलाई रोल, प्राणहारा, चमचम, रसराज माधुरी, खीरे चॉप, साग संदेश, रसगुल्ला जो बंगाल का सबसे फेमस होता है रसगुल्ला। तो सर अभी थोड़ा ट्राई करेंगे उनका ब्रेकफास्ट जो है, तो कुछ आइटम्स क्या क्या है, ये राधा बल्लभी, उसके साथ आलू दम, वेजिटेबल चॉप और मटर पाव। 15 रुपीज प्लेट, 15 रुपीज 20 रुपीज। ओके, एकदम पतला सा, एक सुंदर ट्रांसपेरेंट सूरत सा स्टाफ देखिए अंदर, फुली स्टाफ। पहले थोड़ा ऐसे ही ट्राई करते हैं। ओ, तो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग क्या होगा मामा? मतलब दुकान का टाइमिंग क्या है? दुकान खुलता है 6 बजे। 6 बजे 7:30 आपके विशेष आते हैं। मेरा आलू दम बहुत स्पेशल है, बहुत आदमी लोग डिमांड करते हैं, बहुत ही बोलते हैं यही आलू दम को चाहिए। बहुत ही टेस्टी है आलू दम, गाढ़ा थिक ग्रेवी, बंगला में हम लोग बोलते कौशा, एकदम जबरदस्त आलू दम। मैनू 30 रुपीज़ में आपको बहुत ही बेहतरीन राधा बल्लभ और आलू दम मिल रहा है, तो खाने में तो भाई साहब लाजवाब है। वाओ, एक्सलेंट, थैंक यू मामा जी। सिर्फ आलू दम ही मिलता है या दूसरा आलू दम? राधा बल्लभ इसके साथ आलू। ओके, तो अभी ये वेजिटेबल चॉप, ये पूरा वेजिटेबल चॉप। नो, नॉर्थ कोलकाता का याद आ गया। ये चीज पहले हम कभी खाया नहीं। ये मटर पफ, नारियल और मटर देखिए पूरा बनाया जाता है, इसको फिलिंग्स अंदर में वो रहता है, हरा मटर और नारियल। भाई साहब देखिए, मटर से भरपूर और नारियल, ओहो, कोकोनट। गजब, माइंड ब्लोइंग मामा जी, ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू। आपका हर एक ब्रांच में मिलता है? नहीं, खाली मेरे ब्रांच में, सिर्फ भवानीपुर, भवानीपुर और कालीघाट। भाई साहब गजब लेवल का है ये मिठाई, मतलब ये स्नैक्स, ये मैं रिकमेंड करता हूँ, मस्ट ट्राई करो। और राधा बल्लभी आलू दम फर्स्ट क्लास, गजब। तो मामा जी दोई का क्या खासियत है? पूरा सबसे दही मेरा यहाँ पे थिक एंड क्वालिटी बहुत बेटर है इसका, वैसे थिकनेस हिसाब से मेरे दही का हुआ है, क्रीमी भाव इसमें बहुत ज़्यादा है। वैसे भी गंगूराम का दही के बारे में क्या बताएं कि बहुत ही फेमस है कोलकाता में, बहुत ही यू नो एक ट्रेडिशन सा हो गया है कि दही भी लेना है तो गंगूराम से लेकर आओ। आप किस करिए देखिए कुछ बताइए। एकदम थोड़ा दिखाइए मैडम, थोड़ा पास आके, ऐसा है कुछ दही थिकनेस का बात कर रहे थे, तो चलिए इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। आप भी ट्राई कीजिए। ओहो, माइंड ब्लोइंग। तो एकदम ये डे वन से दही था शुरू से, शुरुआत से।
आप आपका कुछ याद है ये पुराना मिठाई के बारे में या ऐसा कुछ इंसिडेंट जो बहुत ही यू नो यादगार कुछ? नहीं ऐसा याद नहीं है, किंतु माने मेरे पापा लोग के हिसाब से सुने हैं कि एक एक टोपी आगे एक मिठाई जो होता था क्यों बना है, किस हिसाब से बना है, क्या नाम पड़ा है, मैंने एक पूरा डायरी लिखा होता था जो आज के डेट में आज की जनरेशन में ये सब नहीं है। मैंने मिठाई बनाना है बन जाता है, किंतु आगे मेरे दादाजी लोग के हिसाब से पूरा एक डायरी का डायरी होता था, मैंने कैसे मिठाई बना, कैसे नाम पड़ा, क्या चीज़ है, वो अभी भी मेरे दादाजी के अंकल जी के पास में रखा हुआ डायरी। और सर खुद मिठाई ये बनाते हो क्या? बिल्कुल सब मिठाई बनाना सब, आता है सब। वाह ये बहुत ही है ना मज़ेदार एक चीज़ है। तो क्या है इस दही को फिनिश करने के बाद हम लोग चलते हैं उनका सेकंड जो ब्रांच है कालीघाट, वो पास में ही है ममता बनर्जी के घर के एकदम पास, हम लोग का सीएम, तो उधर जाके मिलते हैं। ये मेरे का 3 पैक है, ये छोटा पैक है 130 का है, इससे बड़ा पैक भी है, इसमें आपका गुलाब जामुन है, कमला भोग है, गुड़ रसगुल्ला है, प्लेन रसगुल्ला है, वैराइटीज ऑल सब है इसमें, आपका 3-4 वैराइटीज आपको मिलेगा। नहीं अभी हम लोग का सिर्फ कलकत्ता में ही है और कहीं बाहर पे नहीं है। ये है रसमलाई जो हम लोग का बहुत फेमस और बहुत पुराना आइटम है, इंद्रानी बोलते हैं इसको, एकदम देखिए पूरा गाढ़ा पूरा थिक में आपका मिलेगा, इसके साथ में रसगुल्ला रहता है, एकदम छोटा रसगुल्ला है, ऊपर से मामा ये मावा है, ये वाला मावा है, ऊपर पिस्ता है। चलिए थोड़ा टेस्ट करके देखिए, सही में ठीक है और मीठा भी उतना नहीं है जो यू नो एकदम लाइट मीठा, आप मेरे यहाँ जितना भी स्वीट्स लीजिएगा सब में एकदम लाइट है, कोई एक्सेस मीठा नहीं है। मामा जी इसका प्राइस कितना है? 30 रुपीज कप। वाओ तो यदि कोई बड़ा यू नो किलो में यदि लेंगे तो किलो होने से अलग रेट पड़ जाएगा, 500 रुपीज के जी। ये मिठाई मुझे बहुत पसंद है और यहाँ पर मैं पहली बार खा रहा हूँ टाइगर रोग, एक्सीलेंट पूरा क्लोज अगेन थे एक्सीलेंट आपके यू नो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगे एकदम सही में, और एकदम फ्रेश बनाया जाता है ना रोज का रोज, डेली का डेली बनाया का डेली बनता है। तो मामा जी क्या है कि एक दिन दर्शकों के लिए ना एक दिन हम लोग जाएंगे कैसे बनता है दिखाएंगे, ठीक है मामा जी? हम बचपन से खा रहे हैं, पापा हर ट्यूजडे लेके आते थे यहाँ पे मंदिर में चढ़ा के फिर घर लेके आते, स्पेशली चॉकलेट संदेश, इसलिए मैं अभी निवलेपुर से यहाँ पे आया हूँ चॉकलेट संदेश लेने के लिए, इसका राधा वल्लभ भी बहुत फेमस है, तो एक नॉस्टैल्जिया है, तो इसलिए हमेशा यहाँ से लेते हैं, जितना ही जोमेटो स्विगी ये सब पे ऑर्डर कर सको यहाँ आके लेके जाके उसको खाना रिलिश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत मज़ा आता है सबको घर पर, इसीलिए सबके लिए लेके जाते हैं। बंगाल के मिठाई के जगत में एक प्रसिद्ध नाम है गांगूराम, तो आज टेस्ट करने का मौका मिला और मामा जी वो यू नो हमको खिलाए और बहुत ही टेस्टी मिठाइयाँ था मामा जी का, तो और बोलने का कुछ है नहीं क्या बताएं, तो बस आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं मामा जी। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए और क्या है खाते रहिए। चलिए टाटा बाय बाय।